समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। पानी तो पीने के लिए तो आवाज निकल राधा दुबे सर। क्या समस्या है? हमारे मोहल्ले में पानी नहीं है। जब से वो गड्ढा हुआ, जब से हमारे क्षेत्र में बिल्कुल पानी आना टोटल बंद हो गया। जब वो गड्ढा था नहीं था, जब हमारे क्षेत्र में भरपूर पानी आता था और हम लोग ने वो गड्ढा फिर से एक सा करवाने के लिए बोला, तो उधर के लोग बोले हम तो 6 साल से प्यासे ने हैं। तो अभी 6 साल के पहले वो क्या कर रहे थे मोहल्ले के? 6 साल से लड़ने क्यों नहीं आए वो लोग? ये गड्ढा पानी का है और ये करवाया गया है, प्राइवेट करवाया गया है। क्योंकि वजह ये है कि क्योंकि उधर के लाइन में पानी नहीं आ रहा था। पर ऐसा तो करते कि उधर भी आता तो हमारा भी आता, भला 1 घंटा हमें देते पर भरपूर पानी देते। कौन से एरिया लगता है? गोला कुआं सूजेखां। अच्छा, क्या कितने दिन से समस्या है? ये कम से कम 6 दिन से समस्या है पानी की। हम लोग बताइए, हम लोग घर का करें या बाहर का करें, पानी लेने के लिए कहाँ जाएं बताओ? और पैर हाथ इतने दर्द होते हैं, जब समझ लो इच्छा नहीं होती पानी भरने की। घर में जब वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर 18 था पहले, अब तो शायद 20 हो गया। अब बताइए यहाँ पर जो समस्या है सर? बहुत परेशान हो गए हैं। जब ही हम लोगों ने ये फैसला उठाया है, लिया गया है कि हम लोग डीएम के साथ पास जाएं, वो हमें न्याय देंगे। क्योंकि हमारा जैसे पहले पानी आता था बस उसी प्रकार से पानी चाहते हैं कि भाई हमें भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। कल ऐसे 2 घर है भैया, गोलकपुर में 50 घर तो कम से कम है, 50 घर से ज्यादा घर लोग हैं जो पानी से पीड़ित है। हम कहते तभी को पानी दो, जो हमारे घर में दुश्मन भी आ रहा है उसको भी पानी दो, क्योंकि गर्मियों में पानी जल ही जीवन है।